मुहावरा जे आवे छे परीक्षा में खास के मुहावरा पूछाता हो तो मुहावरा विषय आपणे आज परिचय मेळवीशुं। मित्रों हिंदी विषय में मुहावरे हिंदी साहित्य में मुहावरे का हिंदी भाषा में मुहावरे का बहुत प्रयोग होता है। मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे का प्रयोग क्यों होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुहावरे की बात करें तो इसकी परिभाषा समझ लें। जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते। खास ध्यान रखिए मित्रों, जब कोई शब्द, कोई एक शब्द हो या शब्द समूह, एक शब्द अथवा व्यक्ति वधारे शब्द, जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ, उसका जो मूल अर्थ जो होता है वो मूल अर्थ को छोड़कर कोई और अर्थ, विशिष्ट अर्थ की बात है, कुछ और विशिष्ट अर्थ आवश्यक, उसका अलग एक लक्षण निकालना है, ऐसे अर्थ जब सूचित होता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। तो आपने समझा कि मुहावरा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा फिर से। जब कोई शब्द हो या शब्द समूह हो उसका कोई मूल अर्थ न होकर कोई और अलग अर्थ होता है और इस अलग अर्थ से उसकी कुछ लाक्षणिकता दिखाते हैं, तो ऐसे जब कोई अर्थ शब्द या शब्द शब्द समूह होते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थों, कुछ विशेष स्थानों के शरीर के अंगों, इस तरह अलग अलग विषय पर मुहावरे का सांकेतिक अर्थ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण ले कि जवान का धनी होना, तो एक मुहावरा है। जवान का धनी होना एक मुहावरा है। तो जवान का धनी होना उसका अर्थ होता है जवान रूपी धन वाला, लेकिन जवान रूपी कभी धन होती नहीं है। तो उसका मूल अर्थ क्या होता है, शब्द या शब्द समूह के सामान्य अर्थ, तो उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, जवान रूपी धन वाला, जवान रूपी। तो आप जवान रूपी धन वाला उसे सामान्य अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, विशिष्ट अर्थ। तो उसका विशिष्ट अर्थ क्या होता है मित्रों, वास्तव में उसका अर्थ होता है अपने वायदे को निभाने वाला, जवान का धनी होना। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जवान का धनी होना, तो उसका सामान्य अर्थ शब्द समूह जवान और धन, तीन शब्द जवान और धन, जवान का धनी होना। तो जवान और धन दो अर्थ है, दो शब्द है, उसका मूल अर्थ होता है जवान रूपी धन वाला, जीव रूपी क्यारे धन हो तो नहीं, पर आपने एनो विशिष्ट अर्थ शोधवानो छे। तो विशिष्ट अर्थ एवो थाय छे कि पोताना पोते जे वायलो करो छे ए वायलो, पोते जे वचन आप्युं छे ए वचन ए निभाववानो व्यक्ति, तो एने जवान रूपी धन वाला एवो अर्थ नहीं करवानो, पण वायलो निभाववानो एवो अर्थ करवानो छे। तो एना मूल अर्थ का शब्द समूह पोतानो जे मूल अर्थ छोड़ी अने विशिष्ट अर्थ बनावे छे एने मुहावरो कहे छे। आपने जवान रूपी धन वाला जो वाक्य है, मुहावरा है, इस उदाहरण के माध्यम से हमने देखा। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय उनसे सूचित होने वाले अर्थ का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो उसका जो सूचित ज्ञान होना,
जरूरी है। अगर हमें उसका सचेत ज्ञान ही नहीं होगा तो हम मुहावरे को समझ नहीं पाएंगे। अब मुहावरे जो होते हैं उसमें हमें उसका जो मूल अर्थ होता है वो मूल अर्थ को छोड़कर हम विशिष्ट अर्थ ऐसे और उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूं। एक उदाहरण लेता हूं मैं, चिकना घड़ा एक मुहावरा उदाहरण है। उदाहरण एक, चिकना घड़ा। मित्रों के उदाहरण मुहावरा है चिकना घड़ा, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा घड़ा जो चिकना हो, ऐसा घड़ा जो चिकना हो। अब यह उसका मूल अर्थ है, उसका सामान्य अर्थ क्या है, ऐसा घड़ा जो चिकना हो। अब हमें इसका विशिष्ट अर्थ खोजना है, तो हमें उसका विशिष्ट अर्थ, तो उसका विशिष्ट अर्थ क्या होता है मित्रों, तो उसका विशिष्ट अर्थ ऐसा होता है कि जिस पर किसी बात का असर न हो, जिस पर किसी बात का असर न हो। चिकना घड़ा एक मुहावरा है, उसका सामान्य अर्थ होता है ऐसा घड़ा जो चिकना हो, एवो घड़ो जो चिकनो हो, पर आपने घड़ो चिकनो हो वो अर्थ करवानो नहीं, मुहावरा नो अर्थ जो थाय छे बदले जाय छे, तो एनो साचो अर्थ ये थाय छे कि जरा पण कई पण वात नी कोई असर थाय नहीं, एने चिकना घड़ा ना रूप में आपने मुहावरा नो प्रयोग करीए छे। एक बीजो उदाहरण है होठ काटना, उदाहरण दूसरा हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण होठ काटना। होठ काटो, होठ काटना मतलब होठ काटो के जब आपने ए किया आपने करता होठ काटना, तो यानी शाब्दिक अर्थ सामान्य अर्थ शू थाय छे होठ काटना के होठ को काटना, शू थाय छे होठ को काटना। लेकिन हमें उसका सामान्य अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, हमें उसका मूल अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, उसका विशिष्ट अर्थ क्या होता है तो आश्चर्य में पड़े, उसका विशिष्ट अर्थ क्या होता है आश्चर्य में पड़े। तो मित्रों मुहावरा ना विषय पर चर्चा करी, तो मुहावरा समझे गुजराती में एक बार समझे, क्योंकि आपने गुजराती माध्यम से भणीए छीए એટલા માટે કે જ્યારે કોઈ શબ્દ અથવા શબ્દ સમૂહ પોતાનો સામાન્ય અર્થ ન છોડે અને કોઈ ખાસ અર્થ બતાવે અને એને લક્ષણપણેમાં આપણને દેખાય ત્યારે એને મુહાવરો કહેવાય છે। તો હવે એ મુહાવરાના બે ઉદાહરણ આપણે લીધા, ચિકના ઘડા હોઠ કાટના, તો દોને ઉદાહરણ કે માધ્યમથી અમને हमको पता चल गया होगा कि मुहावरा किसे कहते हैं। फिर से मैं कहता हूँ कि मुहावरा का जो शब्द हो या शब्द समूह हो उसका वाक्य में प्रयोग करते वक्त उस शब्द या शब्द समूह का मूल अर्थ को हमें नहीं देखना है, उसका विशिष्ट अर्थ क्या कहना चाहता है ये हमें देखना है, और उसका भाव और उसका लक्षण इसमें हमें दिखाई देता है, तब उसे मुहावरा कहा जाता है। अब मुहावरे की कुछ बातें कही, तो मुहावरा लिखते वक्त हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे जैसे हम मुहावरे नहीं लिख सकते तो क्या क्या सावधानी है, तो पहले असली रूप में प्रयोग करना, मुहावरे जो हम लिखते हैं उसका असली रूप में प्रयोग करना चाहिए। मुहावरे का प्रयोग उनके असली रूप में करना चाहिए, उनके शब्द बदले नहीं जाते, उनके शब्द बदले नहीं जाते। जैसे कि हम एक उदाहरण लेंगे, शब्द उसके बदले नहीं जाते, तो हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि अक्ल का दुश्मन मुहावरा है, अक्ल का
दुश्मन। मुहावरा क्या है? पकड़ का दुश्मन है मुहावरा है। तो इस मुहावरे में हमें शब्द बदलेंगे नहीं, हम यहाँ अपन की जगह बुद्धि का दुश्मन ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते, अथवा तो अकड़ का शत्रु या ऐसा भी शब्द हम बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर शब्द बदलेंगे तो मुहावरा अच्छी तरह से प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह अकड़ का दुश्मन तो मुहावरा है, उसका अर्थ होता है कि जिसमें बुद्धि कम हो, जो जिस व्यक्ति में ज्ञान न हो उसे हम अकल का दुश्मन कहते हैं। तो हम अकल का शत्रु नहीं कह सकते, लेकिन शत्रु देखो शत्रु और दुश्मन दोनों का पर्याय एक ही, लेकिन हम यहाँ उसका प्रयोग शत्रु के रूप में नहीं कर सकते, दुश्मनी लिखना पड़ेगा। एक दूसरा उदाहरण, 9211 हो, 9211 होना, 9211 होना इसका मतलब क्या होता है कि भाग जाना। तो इसके बदले हम 8311 नहीं लिख सकते, अगर 8311 लिखेंगे तो उसका प्रयोग अच्छी तरह से नहीं होगा। दूसरी सावधानी ये कि उनके शब्द में बदले नहीं जाते, वाक्य में प्रयोग करना चाहिए अलग नहीं, कोई भी मुहावरा अलग से आप नहीं बता सकते, उसका वाक्य में प्रयोग करके ही मुहावरे हम बता सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि कान काटना एक मुहावरा है, कान काटना। तो अगर हम कहेंगे कान काटना तो हमें उसका अर्थ मालूम नहीं होगा, उसका लक्षण मालूम नहीं होगा, लेकिन हम उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि कान काटना का अर्थ होता है, जैसे प्रयोग करेंगे छोटा बच्चा या वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़े के कान काटता है, वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़े का कान काटता है। तो इस तरह हमें कान काटना का प्रयोग जो होता है उसका वाक्य में अगर प्रयोग करेंगे तो ही हमें कान काटना मुहावरा समझा देगा। और अगली बात करेंगे हम परिस्थिति पात्र घटना का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। जब हम मुहावरे का कोई भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तब उसकी परिस्थिति पात्र और घटना और सभी चीज वस्तु का उसका उल्लेख होना चाहिए, तभी यह मुहावरा बन सकता है। जैसे कि 9211 होना, तो 9211 होना हमें पता नहीं चलेगा क्या कहना, भाग जाना कब है, लेकिन कहाँ से भाग जाना, क्यों भाग जाना, कहाँ भाग जाना, क्यों भाग जाना, 9211 होना मुहावरा है। तो 9211 होना मतलब भाग जाना, इस मुहावरे का अर्थ तो हमें मालूम हो गया, लेकिन क्यों भाग जाना, तो हमें परिस्थिति पात्र घटना सभी का उल्लेख करेंगे जब हम, तभी हमें पता चलेगा कि 9211 के भाग जाना उस मुहावरे का प्रयोग क्यों हुआ है। तो हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि शेर को देखते ही हिरण 9211 हो गया, शेर को देखते ही हिरण 9211 हो गया। तो यहाँ पात्र आया शेर और हिरण, परिस्थिति क्या है, शिकार करने की, क्योंकि जो शेर है वो हिरण का शिकार करता है, हिरण उसका पक्ष है, इसकी परिस्थिति यह हुई है कि शेर शिकार करने आया, इसलिए शेर और हिरण जो पात्र है घटना शिकार करने की है। तो इसका उल्लेख करने से हमें उसका समुचित अर्थ का पता चल पाएगा। तो मुहावरे अलग अलग रूप से भी लिखे जाते हैं, एक मुहावरा है उस मुहावरे को अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि पानी पानी होना एक मुहावरा है, पानी पानी होना एक मुहावरा है। तो लज्जित होना, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, ये मुहावरा है, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। अब ये मुहावरा उसका हमारे टेक्स्ट बुक में चार उदाहरण दिए गए, इसमें पानी पानी होने की क्या बात है, क्या जरूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती है, हम पानी पानी करके शर्मावाड़ी से जरूर है, आप उम्र में आप लोग खाई से, तो पानी पानी होने की क्या जरूरत है। दूसरा, तुम कुछ भी कहो वह आज सबके सामने पानी पानी करके छोड़ेगा, पानी पानी करके छोड़ेगा, दूसरी पद्धति। तीसरा, बात में जरूर
दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है, पानी पानी है। और चौथा वाक्य, भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए, पानी पानी हो गए। तो देखो मित्रों, एक ही मुहावरा पानी पानी होना मुहावरा को चार तरह से हमने यहाँ वाक्य में लिखा है। पहला, पानी पानी होने की जरूरत। दूसरा, पानी पानी करके छोड़ेगा। तीसरा, पानी पानी है। चौथा, पानी पानी हो गए। तो एक ही मुहावरे को हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। परिस्थिति पात्र घटना का उल्लेख होना चाहिए, वाक्य में प्रयोग करना चाहिए, अलग से प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके शब्द कभी बदले नहीं जाते हैं, पर मुहावरे का असली रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। समय आज हमने हिंदी व्याकरण मुहावरे की कुछ चर्चाएं की। आशा रखता हूं कि आपको भी हिंदी व्याकरण के जो मुहावरे हिंदी भाषा में आते हैं, इसमें कुछ समझ आपको भी आई होगी। तो मित्रों, हमारे क्लास बुक में मुहावरे का जो पहला प्रकरण है हिंदी व्याकरण का, आप अच्छी तरह से उसकी व्याख्या परिभाषा समझ लें और अपने गृह कार्य के रूप में इस जो टेक्स्ट बुक है, इस सारा प्रकरण एक बार अपने नोटबुक में लिखे। 14 जुलाई के बाद कभी भी हम इस लेसन को देखेंगे। आपने घर बैठे कितनी पढ़ाई की उसका पता लगाएंगे। अगली बार हम जब मिलेंगे तब हमारा अगला कोई प्रकरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करें। आज बाय बाय।